बैंगन की सब्जी बनाने के लिए हमने बैंगन को लेकर के उसे इस तरह से मोटा मोटा पीस में गोल गोल काट लिए हैं और इसे हम पानी में डाल करके अच्छी तरह से धो लिए हैं। एक मीडियम साइज का टमाटर, उसका हम इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिए हैं। 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, थोड़ा सा धनिया पत्ता, उसे हम इस तरह से बारीक काट लिए हैं। आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक मीडियम साइज का प्याज, उसे हम इस तरह से दरदरा पीस लिए हैं। आधा छोटा चम्मच राई, नमक, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम बैंगन में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्चा पाउडर और नमक को दोनों तरफ से अच्छी तरह से लपेट देते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई में हम तेल को डाल देते हैं। तेल गरम हो गया है, अब एक एक बैगन को इसमें हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से इसे हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लिए और इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी बचा है उसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। सभी बैगन को फ्राई करने के बाद हम उसी तेल में राई को डाल देते हैं। राई चटकने लगा, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट को डाल देते हैं और साथ में क्रश किया हुआ प्याज को भी डाल देते हैं। गैस का फ्लेम को मीडियम करके प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। प्याज अच्छी तरह से भुना गया है, अब इसमें हम मसाला को डाल देते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और अमचूर पाउडर और गैस का फ्लेम को लो करके मसाला को अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसाला भी अच्छी तरह से भुना गया है, अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट को डाल देते हैं और साथ में स्वाद अनुसार नमक और टमाटर को भी अच्छी तरह से पका लेते हैं। भूनते हुए टमाटर भी अच्छी तरह से भुना गया है, टमाटर और मसाला से तेल भी अलग होने लगा है। अब इसमें हम पानी को डाल देते हैं। पानी लगभग आधा गिलास डाले हैं और ग्रेवी में उबाल आने देते हैं। ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब इसमें हम बैंगन को डाल देते हैं, फ्राई किया हुआ बैंगन। गैस का फ्लेम को मीडियम करके लगभग 3-4 मिनट के लिए ढककर से हम छोड़ देते हैं। लगभग 3-4 मिनट हो गया, अब हम सब्जी को फिर से चेक कर लेते हैं। सब्जी बनकर तैयार है, ऊपर से हम धनिया पत्ती को डाल देते हैं और गैस को ऑफ करके इसे हम सर्व कर लेते हैं। बैंगन मसाला भाजा को सर्व कर लिए हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए।